जैसे जैसे पीथमपुर नगर पालिका परिषद के चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव के नए नए रंग सामने आ रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में जमकर मेहनत कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 28 से निर्दलीय प्रत्याशी बबीता कालू जायसवाल ने मैदान में उतरकर चुनाव का रुख बदल दिया है और लोगों को उम्मीद है कि इस क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी ही जीत दर्ज करवाएगा। देखिए यह रिपोर्ट। पीथमपुर नगर पालिका परिषद के 31 वार्डों के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए जहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में जमकर मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में आने से पीथमपुर के नगरीय निकाय चुनाव रोचक हो गए हैं। भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज कई महिला प्रत्याशी मैदान में है। वार्ड क्रमांक 28 से महिला प्रत्याशी बबीता कालू जायसवाल मैदान में कूद चुकी हैं। दरअसल बबीता जायसवाल के पति लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हैं और उन्होंने पार्षद पद के लिए अपनी पार्टी से टिकट भी मांगी थी, लेकिन भाजपा ने बबीता कालू जायसवाल को टिकट ना देते हुए अनीता विश्वकर्मा को टिकट दे दिया, जिससे खफा होकर बबीता कालू जायसवाल मैदान में उतर चुकी हैं। दरअसल इस वार्ड से पूर्व में कांग्रेस के पप्पू पटेल पार्षद रह चुके हैं, जिनके कार्यकाल में वार्ड में विकास के कोई खास कार्य नहीं हुए, जिसे लेकर वार्ड के रहवासियों ने भाजपा नेता जीवन कालू जायसवाल को अवगत कराया था, जिसके बाद कालू जायसवाल ने अपने निजी खर्च से क्षेत्र में कई विकास के कार्य करवाए हैं। रहवासियों का कहना है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते दबंगों ने उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए झूठी शिकायत के आधार पर FIR करवा दी, फिर भी कालू जायसवाल ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पत्नी को जनता की सेवा के लिए भेज दिया है। रहवासियों का कहना है कि इस बार वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी बबीता कालू जायसवाल ही जीत कर हमारे वार्ड का उद्धार करेगी। माहौल बस एक तरफा है कालू जी जायसवाल का, क्योंकि इन्हें किसी पार्टी ने नहीं चुना है, इनको 28 नंबर वार्ड की जनता ने चुना है। वार्ड क्रमांक 28 की जनता ये जान चुकी है कि विकास कोई नहीं करवाएगा, ना कांग्रेस करवाएगी ना BJP करवाएगी, सिर्फ कालू भैया करवाएंगे। कालू भैया की बचपना यहीं से शुरू हुआ है और उनको काफ़ी टाइम से लोग पहचानते हैं, नाम से जानते हैं, और सारे जनता जो यहाँ 28 के मतदाता हैं उनको वो बखूबी जानते हैं, नाम से हर चीज़ से परिचय है और सुख दुख में उनका हमेशा साथ दिया है उन्होंने। तो जो यहाँ की जनता है वो भी मेहनत कर रही है उनके प्रति, उनके स्तर पर, कि यार हम कैसे उनको भारी मतों से जिताएं। जीत तो वो रहे ही हैं, लेकिन उनको भारी मतों से जिताने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि यार कुछ नया इतिहास करें कि यहाँ की जनता उनको भारी मतों से जिता पाए। क्या माहौल है वार्ड क्रमांक 28 में? 28 का कालू जायसवाल जी आएंगे, जीत जाएंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे। क्या लगता है क्यों कालू जायसवाल को क्यों चुनाव जीतना चाहिए? वो BJP और कांग्रेस को देख लिया है करीबन 20 साल से, हाँ, और अभी की ताज़ी घटना है जायसवाल के नेतृत्व में बिना पद होते हुए पूरे गांव में 50% वोट बन गया है, थोड़ा बता दो। हाँ हाँ हाँ, और मतलब बिना पद पे रहे काम, हाँ हाँ, बिना पद पे रहे हुए काम किया है, इसलिए पद दिलवाना है, बिल्कुल दिलवाना है, बनाना है, बिल्कुल बन गया। वोट देने जाएंगे मतलब आप? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, खुद ही जाएंगे या लोगों को ही बोलेंगे वोट देने के लिए? बोलेंगे ना सबको, सबको बोलेंगे। हाँ।
चलिए तो बीजेपी कांग्रेस समान कर लीजिए पे, क्योंकि चुनाव जीत रहा है केक। यहाँ की जनता ऐसा मानती है कि कालू जायसवाल कोई नेता नहीं है बल्कि बेटा बनकर ये जनता के लिए काम किया है, और जो काम कोई पद पे रहते पोस्ट पे रहते नहीं कर पाया वो इनके भाई कालू जायसवाल ने किया है। तो जनता का ये आत्मविश्वास क्या बबीता जायसवाल को 23 जनवरी के दिन चुनावी रण में पार्षदी का ताज पहनाने में होगा कामयाब, क्या होगा बबीता जायसवाल का राजनीतिक भविष्य, जानने के लिए बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ और मुझे दे दीजिए इजाजत। मंगलवार को निर्दलीय प्रत्याशी बबीता कालू जायसवाल ने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर वार्ड के रहवासियों से जनसंपर्क किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक और महिलाएं मौजूद रही। बबीता कालू जायसवाल ने लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वोट देने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र की जनता ने गंदगी, ड्रेनेज लाइन और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं से अवगत करवाया। जनसंपर्क के दौरान बबीता कालू जायसवाल ने रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे से चर्चा की। इस मौके पर बबीता जायसवाल ने पिछले परिषद के दौरान हुए घटिया कामों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। तो अंतिम दौर में बढ़ते हुए चुनाव है और मतदान की घड़ी अति शीघ्र नज़दीक आ रही है, जिसके चलते जो प्रत्याशी हैं उनकी नब्ज अब तेज हो रही है। हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 28 में और यहाँ माहौल कुछ अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतने की पोजीशन में है। इनका यहाँ के क्षेत्रीय रहवासियों का ऐसा मानना है कि कालू जायसवाल कोई एक दिवसीय नेता नहीं है, कोई 24 घंटे के नेता नहीं है, वो 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। यही कारण है कि हम सभी बढ़ चढ़कर वोट देने जाएंगे और किसी भी हाल में यहाँ से बबीता जायसवाल को चुनाव जिताएंगे। पर क्या वाकई में बबीता जायसवाल चुनाव जीतने के मोड में है? हमारे बीच में जुड़ चुके हैं प्रत्याशी, आइए उनसे चर्चा करते हैं। बबीता जी, लगातार आप जनता से रूबरू हो रही हैं, मिल रही हैं, आज आपने लंबा चौड़ा जनसंपर्क भी किया, कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है और बीजेपी कांग्रेस की सरकार ने बहुत कुछ नहीं किया है, जनता बहुत नाराज हो रही है और मेरे पति ने बिना पद पर रहकर भी उनका बहुत सहयोग करा है और उनका आगे भी सहयोग रहेगा और ये परिणाम हम जीत रहे हैं, यही सहयोग है। हम बहुत समय दे रहे हैं मैडम यहाँ। आप समर्थक नहीं, आप तो यही नहीं, यही के रहने वाले हैं, बहुत समय हो गया हमको। क्या माहौल है आगे? माहौल हमारा है कालू भाई जीतेगा यहाँ से। हाँ, बीजेपी कांग्रेस ने बहुत वोट लिए, बहुत कम करा, पर हमको एक नहीं कोई लाभ नहीं मिला उसका, कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, जीतेगी ना, हम कर रहे हैं, हम जीतेंगे। यहीं रहता हूँ मैडम मैं, बहुत समय से रह रहा हूँ यहाँ। हाँ, अपन कहीं अच्छा। अरे कहीं नहीं, कालू भैया जीतेंगे यहाँ, कालू जायसवाल। अरे देखी दो ही को देखी, कोई मतलब नहीं है उनसे। अरे चले जाते हैं, जय सिया राम करके। इस बार कालू भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। माहौल बहुत शानदार है, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, और इस बार कालू भैया बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को बहुत लोगों ने देख लिया, समझ लिया, मतदाताओं ने, मतदाताओं का साथ है हमको, मतदाताओं का आशीर्वाद है, हम जरूर जीत रहे हैं। माहौल बड़े परेशान है आप लोग, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर, कोई निर्माण नहीं किया गया है बीजेपी के राज में भी और कांग्रेस के राज में भी। हाँ, बिल्कुल परिवर्तन हम तो चाहते हैं कि हमारे कालू भैया जीते। जी, कालू जायसवाल जिंदाबाद। नहीं, कालू जायसवाल जीत रहे हैं, उन्हीं को जिताना है। हाँ, उन्हीं को जिताना। काम करेंगे लगता है। हाँ, लगता है, भरोसा है।